हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा भ्रष्टाचार पर। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करिए, टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, SSC, CHSL, CGL, MTS और अदर एग्जाम्स के लिए। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सको। कम्प्लीटली आप वॉच कर सकते हो, ऐसे और लेटर दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में लिंक। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएंगी। 70+ टॉपिक्स जो हैं यहाँ से हम लोग कवर किए हुए हैं। इसमें जितने रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपके पास सफिशिएंट कंटेंट होगा, और फिर कुछ भी टॉपिक पूछ लिया जाए, जितना टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, टफ से टफ वो चीज़ पूछ ली जाए तो भी आप आसानी से कर लोगे, राइट। और स्पेशलिटी इन बुक्स की है कि आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे, और 70+ टॉपिक्स यहाँ से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से दो बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको एडिशनली मिल जाएगी, राइट। एडिशनल 30% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दोस्तों दिया गया है, वहाँ से जाके आप अपनी एग्ज़ाम के हिसाब से इसको परचेज कर सकते हो, SSC CGL, CHSL, SSC GST या फिर IBPS PO। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की हम लोग, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करना है आपको ये देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति न्याय व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सार्वजनिक संपत्ति, स्थिति, शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करने लगता है तो वह व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। आज भारत जैसे देश में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें तेजी से फैला रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हो कि भ्रष्टाचार होता क्या, या बता सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति जो भी कानून नियम है उसके विरुद्ध जाकर अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कोई सार्वजनिक संपत्ति, स्थिति यानी जो पोजीशन है उसकी, शक्ति यानी जो पावर्स हैं, अधिकार का दुरुपयोग करने लगता है तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। क्यों? ठीक है, और जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है वैसे वैसे देश भी इसकी चपेट में आता जाता है। तो आप ये कह सकते हो भारत जैसे देश में भी भ्रष्टाचार अपनी जड़ें तेजी से फैला रहा है, राइट। भ्रष्टाचार अब समाज की गहराई में फैल गया है और इसकी बहुत सारी जड़ों के होने के कारण बहुत मजबूत हो गया है। ठीक है, यानी भ्रष्टाचार जो है वो पूरे समाज में फैला हुआ है और इसकी जड़ें जो हैं बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, जिसके कारण ये बहुत तेज़ी से मजबूत भी होता जा रहा है, राइट। यह एक कैंसर की तरह है जो एक बार उत्पन्न होने पर दवा के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इसको ख़त्म करने के लिए हमें कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, सभी लोगों को मिल के इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तभी हम भ्रष्टाचार को अपने समाज से ख़त्म कर पाएंगे, राइट फ्रेंड्स। भ्रष्टाचार के कई रूप हैं, जैसे रिश्वत, कालाबाजारी, जानबूझकर दाम बढ़ाना, पैसा लेकर काम करना, सस्ता सामान लाकर महंगा बेचना आदि। तो ये सारे तरीके जो हैं भ्रष्टाचार के एक तरीके हैं जिनको आप यहाँ पर बता सकते हो, ये सभी भ्रष्टाचार में आते हैं, चाहे वो रिश्वत लेना हो, कालाबाजारी हो, जानबूझकर दाम बढ़ाना हो चीज़ों का, या फिर सस्ता माल लाकर महंगे दामों पर बेचना हो, ये सभी जो है एक तरह से कालाबाजारी या फिर भ्रष्टाचार कहलाता है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप शुरुआत में इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इस टॉपिक को लिख सकते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी सेक्शन में। भ्रष्टाचार विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जो शिक्षा, खेल, राजनीति जैसे हर क्षेत्र में फैला हुआ है। अब देखो, जो भ्रष्टाचार है वो कई तरह का, विभिन्न प्रकार हो सकते हैं भ्रष्टाचार के, और हर फील्ड में है ये भ्रष्टाचार, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में की बात करें, खेल जगत की बात करें, राजनीति की बात करें, या किसी भी क्षेत्र की बात करें, हर क्षेत्र में हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। भ्रष्टाचार के कारण व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाता है। भ्रष्टाचार कई तरह से हो सकता है, जैसे चोरी, बेईमानी, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग, अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी, शोषण, घोटाला आदि। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर बता सकते हो भ्रष्टाचार के कारण जो है व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाता, जिसके थ्रू फिर वो गलत काम करने लगता है। भ्रष्टाचारी के कारण जो है वो चोरी, बेईमानी, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग, अनावश्यक रूप से समय की बर्बादी, शोषण, घोटाले, ये सारी चीज़ें भ्रष्टाचार की वजह से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो कह सकते हो आप कि ये सभी जो है भ्रष्टाचार के रूप हैं अलग अलग तरह से, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पैरा में फ्रेंड्स।
इसने विकासशील और विकसित दोनों देशों में अपनी जड़ें जमा ली हैं, यानी कि भ्रष्टाचार की वजह से जो विकसित देश हैं और जो विकासशील देश है दोनों ही इसकी गिरफ्त में हैं, दोनों ही इसके चंगुल में फंसे हुए हैं। राइट, हमें गुलामी से वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने समाज और देश से भ्रष्टाचार को दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है, यानी कि हमें वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब हम भ्रष्टाचार को अपने देश से, अपने अपने समाज से खत्म कर पाएंगे, अपने देश से दूर कर पाएंगे। ठीक है, तो तभी वास्तविक स्वतंत्रता जो है हमें मिल सकेगी। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप इसको कंपेयर करा सकते हो, लिख सकते हो बेटर तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं बॉडी में ही। हम पैसों के कारण अपनी असली जिम्मेदारी को भूल गए हैं। यह हमें समझने की ज़रूरत है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हम इसे हमेशा के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप बात कर सकते हो कि जो पैसा है, पैसे के कारण जो है ज़्यादातर लोग जो है आजकल अपनी जिम्मेदारी को गलत तरीके से निभा रहे हैं या फिर निभा ही नहीं रहे हैं, तो अपनी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं लोग पैसों की वजह से। यही कारण है कि हमें समझना चाहिए कि पैसा सब कुछ नहीं होता और हमेशा हम इसको अपने पास नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि पैसा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता है। ठीक है, यह हमें केवल लालच और भ्रष्टाचार दे सकता है। ठीक है, पैसे के कारण केवल और केवल लालच और भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। राइट, यह सच है कि जीवन जीने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह सच नहीं कि सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच के लिए हम किसी के जीवन से खेलें और उसका दुरुपयोग करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि पैसा जो है हम सभी के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, बिना पैसे के हम नहीं रह सकते। तो पैसा और धन जो है सभी की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल पैसे पर ही फोकस करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम केवल यही कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, और इससे क्या है, अपने स्वार्थ और लालच के लिए किसी दूसरे के जीवन से नहीं खेलना चाहिए और ना ही उसका दुरुपयोग करना चाहिए। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार का रोग सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में इस तरह से फैल गया है कि आम आदमी को अपना कार्य करवाने के लिए बड़े अफसर नेताओं को घूस देनी पड़ती है। ठीक है, ये भी अक्सर देखा गया है कि भ्रष्टाचार इस तरह से बढ़ता जा रहा है, सरकारी हो या गैर सरकारी संस्थाओं, इन सभी में तेजी से फैल गया है। क्योंकि कोई भी काम हो, नॉर्मली जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसको अपना काम कराने के लिए जो बड़े अफसर हैं या फिर जो नेता हैं उनको घूस देनी पड़ती है, तभी उनका काम हो पाता है। तो ये भी एक तरह का करप्शन ही है, ये भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। राइट फ्रेंड्स, इसी की वजह से लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं सही तरीके से, जिसकी वजह से कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर लोगे। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। भारत अपने लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह भ्रष्टाचार है जो इसकी लोकतांत्रिक प्रणाली को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो भारत जो है विश्व में प्रसिद्ध है अपने लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो पूरी तरह से बर्बाद होता जा रहा है। राइट, सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाए जाने के कारण भ्रष्ट लोगों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण वर्तमान में घोटालों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है, आप यहाँ पर देखते रहते हो कि डेली कोई ना कोई घोटाला सामने आता रहता है, तो ये इसी कारण है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं बनाए गए, कोई डेफिनेट स्टेप नहीं लिए गए हैं, जिसकी वजह से जो भ्रष्ट लोग हैं उनके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और तेजी से घोटाले होते रहते हैं हमारे समाज में। राइट, तो भ्रष्टाचार का कैंसर हमारे देश के स्वास्थ्य को नष्ट कर रहा है, यह आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बनना हुआ है। देश के युवाओं को भ्रष्टाचार के सभी कारणों से अवगत होना चाहिए और इसे हल करने के लिए एकजुट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो फ्रेंड्स कि देश के युवाओं को भ्रष्टाचार के सभी जितने भी कारण हैं उससे अवगत होना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, साथ ही साथ इसे हल करने के लिए सबको एकजुट भी होना चाहिए। राइट, यहाँ पे आप इस तरह से सजेशन दे सकते हो, अगर हमें भ्रष्टाचार की जड़ को समाप्त करना है तो राजनेताओं, सरकारी तंत्र और जनता को साथ मिल के इसके खिलाफ लड़ना होगा, तभी हम अपने देश को भ्रष्टाचार से बचा सकते हैं। ठीक है, अब तो फाइनली सजेशन देके आप इस तरह से लिख सकते हो कि देश के राजनेताओं,
सरकारी तंत्र, जनता सभी मिल के अगर इसके खिलाफ लड़ेंगे तभी हम अपने देश से भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे और भ्रष्टाचार से अपने देश को बचा पाएंगे, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ। इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को भी तैयार कर सकते हो जिनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पे जाके सारे आप टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। एप्लीकेशन और प्रीसिक्स की भी प्लेलिस्ट देख लेना, इसमें भी आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे, राइट दोस्तों। तो इन सभी को आप अच्छे से तैयार करिए और आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी, राइट। और साथ ही साथ इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। Thanks for watching.